निकल जाता है तो ब्रेक शू लीक हो गया, सीधा ब्रेक फेल। तो हमने जितने तरीके से हमारे ड्राइवर हजरात से हमारा जो भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, ओनरशिप हो चाहे ड्राइवर्स हो, वो ओरिजिनल अपनी कंपनी के ही ब्रेक शू इस्तेमाल करें, तो टेम पर सर्विस करें तो कोई इसके लिए चांसेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्रिल किया था, तो आज के इस प्रोग्राम में भी एक शॉर्ट ड्रिल रखा है। UDDRF डिपार्टमेंट फर्स्ट एड और CPR पे एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि किस तरह से एक्सीडेंट्स के टाइम पे रेस्क्यू को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तीस दिया, तीस देने के बाद एक माउथ टू माउथ वेंटिलेशन जिसको हम रेस्क्यू ब्रीथ बोलते हैं। इसमें क्या करना है, नाक को क्या करना है, पिच करना है, बंद करना है इसको, ताकि जो सांस दे वापस ना आए। तो इसके ऊपर आप एक टेक्निकल पंडित और काम में आएगा। तो बहुत सारी बातें हुई हैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेके, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू, तो अब थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो ऑर्गेनाइजिंग जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस, लद्दाख पुलिस, हमारे साथ SP ट्रैफिक जनाब एशिया काचो भी जुड़े हैं, सर बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने तरफ से आप सबको वेलकम कर चुका हूँ, बट फ्रॉम माई ओन साइड आई वंस अगेन वेलकम हमारे SSP कारगिल श्रीराम साहब का, जिनका बहुत से सपोर्ट रहा हमें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे सीनियर और भाई साहब गियास साहब, बाकी तो सबको वेलकम मैं कर चुका हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे नितिन साहब हमारे यहाँ पे यंग IPS ऑफिसर हैं, तो अभी बहुत आगे जा रहे हैं इनको, तो बाकी सबका वेलकम हो गया सर ऑलरेडी। तो इसका ये ट्रैफिक आई ड्राइव सेफ का मसला मतलब ये है कि आई ड्राइव सेफ बोले तो मैं गाड़ी अच्छे से संभल के संयम से चलाता हूँ, यानी आई मतलब मैं यानी आप यानी हम सब। और इस ट्रैफिक कैंपेन से जुड़ने के लिए हमने इसको एक ऐसा थीम दिया है आई ड्राइव सेफ का, जिसका हमने टैगलाइन है मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि लोगों को लगता है कि जो ट्रैफिक का रोड सेफ्टी है या जो रोड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रैफिक कंजेशन है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, रोड इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा रहता है, इसमें जो हमारे रोड ऑब्स्ट्रक्शन का बड़ा हिस्सा रहता है, हमारे मैकेनिकल गाड़ी में जो फॉल्ट होती है, फिटनेस होता है, उसका बड़ा हिस्सा रहता है। और इसीलिए हमने आज सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे लाया हुआ है ताकि आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकें। तो सबसे पहले मुर्तजा साहब, मैं तो ये बोलूँ कि जैसे अलग हमारे एजेंसीज हैं, जैसे हमारे पास कारगिल में कुछ पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, पार्किंग स्पेसिस की, या जो मतलब जो हाईवे में जाओगे PWD का या विजय का मतलब काम कुछ जगहों मोस्टली तो होता है, लेकिन हमने देखा है कि जहाँ रोड पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन्स में वेयर वी आर सो मच प्रोन टू एक्सीडेंट्स ड्यू टू रोड इंजीनियरिंग के जो हैफजर्ट हैं, तो हमारे साथ जो कंसर्न एजेंसीज हैं पर्टिकुलरली RMB डिपार्टमेंट एंड विजय, तो मैं विजय से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे यही जानने की कोशिश करूँगा, जो पैरापिट्स हैं या रोड बाउंड्रीज हैं या जो रोड इंजीनियरिंग है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट जो इस चीज़ पे लगे हैं पर्टिकुलरली इन हिमालयन रीजन्स एंड बॉर्डर एरियाज, तो किन किन कंसिडरेशंस को आप लोग मद्देनजर रखते हैं वाइल डूइंग द इंजीनियरिंग, और कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है, हर जगह तो नहीं, पैरापिट्स की कमी महसूस होती है रोड बाउंड्रीज की, तो सर इसके बारे में काइंडली एनलाइटन करें। थैंक यू सर। जैसा कि मैं पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ, तो पहले यहाँ पे पैरापेट्स वगैरह काफ़ी कम थे, क्रैश बैरियर वगैरह नहीं थे, तो एक्सीडेंट काफ़ी हुआ करते थे। लेकिन अभी मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्रैश बैरियर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं, गाड़ियाँ जो है क्रैश बैरियर को ही पार कर जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से
काफ़ी काम तो किए जा रहे हैं, चाहे ग्रेडियंट इम्प्रूवमेंट का काम हो या कर्व इम्प्रूवमेंट का काम हो, चाहे पैरापेट्स हो या स्पेरियर्स हो, लेकिन फिर भी इस दिशा में अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और लगातार इसमें काम हो रहे हैं। जी सर, हमारे साथ आरएनबी आपके ऑब्जर्वेशन अगर कुछ हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू साहब हमारे ग्रीन हेरिटेज इंडिया वो हमारा कारगिल पर्टिकुलर कारगिल को देखते सर, हमारे यहाँ जो भी है जो कर्व का इशू है सर, अभी कोई ट्रेस वैल्यू तो हर जगह तकरीबन ऑलमोस्ट राइट जोन है, दराज से लेकर हमारा ले तो हो चुका है, लेकिन मोस्टली अभी जो कर्व का इशू है सर उनके ऊपर इनको नजरसानी करने की ज़रूरत है। बहुत जरिए लाइन कर उनको आप माइंड में देखिए, उनको बाकी रहा सर मैं इस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ भी एक स्टेक होल्डर हूँ, क्योंकि जब भी जैसे भी हो हमारा कोई भी दिन खाली नहीं रहता है हमारे ऑफिस में, जिस दिन एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए रुजू करता है, तो मेरे पास दो तीन टेक्निकल स्टाफ है जो इसी काम पर ही लगा है, तो उनका कोई काम नहीं होता सिर्फ हर रोज एक्सीडेंट रिपोर्ट देना, आज ही चिट्ठा में हो गया, आज ही खजू में हो गया, आज ही दास में हो गया, तो यानी हमारा वो तीन आदमी दिन को दिन लगता था कहीं वो साल निकालने के लिए उनकी उनके पास फुर्सत है, कभी नमस्कार में हो गया कभी खजू में हो गया, तो हमारे ड्राइवर हजरात से यही गुजारिश है सर और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से सबसे जो मेन स्टेक होल्डर है एक्सीडेंट को रोकने के लिए, क्योंकि मैं भी इस डिपार्टमेंट में कोई 7-8 साल काम कर चुका हूँ, अगर हम मेनली इसके मैकेनिकल इंस्पेक्शन के ऊपर जोर रखें सर, गाड़ी के फिटनेस के ऊपर अगर आप क्लियरली अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट स्ट्रिक रहे तो मुझे लगता है सर ये एक्सीडेंट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है इसको काफ़ी कंट्रोल कर सकता है, अगर ये लोग मैकेनिकल फिटनेस के ऊपर अगर गाड़ी के फिटनेस के ऊपर रहेगा। फिटनेस तो हम अपनी तरफ से बड़ी केयरफुली करते हैं। हाँ, रहा सवाल कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उसकी जो मेन कॉज है दैट इज द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। अभी जब तक हम लोग नेग्लिजेंस को रोकेंगे नहीं हमारा जो एक्सीडेंटल रेशो है वो बढ़ता ही जाएगा। अभी जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं यहाँ कारगिल से श्रीनगर जाते हैं 5-6 घंटे का रास्ता है ये, तो इसको बीच बीच में उनको रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, फ्रेश होने की ज़रूरत है। ये लोग क्या करते हैं, ये फेरा वहाँ छोड़ दिया, रिटर्न उसी शाम को वापस आते हैं, तो ह्यूमन बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो उसकी वजह से जब उनकी थकावट आती है बॉडी में, जो उनके जो कॉन्शियस में कमी आती है, तो उसके कारण से भी एक्सीडेंटल रेशियोज बढ़ते ही जा रहे हैं। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें जो अगर हम ये केयरफुली हम ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट होने का बिल्कुल कम चांसेस है। टाउन है कहाँ पे, शॉर्टकट है, तो अगर हम उन सब चीज़ों का अपने जहन में, अपने जो हमारे यूनिट्स के प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं, अपने ड्राइवर उसको काउंसलिंग करेंगे किस तरह से हमें इन सड़कों पे चलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शुक्रिया सर, को ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए इतनी छोटी सी जगह पे शहरों में कितना एक ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जो पार्किंग का मसला है वो बहुत सालों से हमारा एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है, तो इस पार्किंग के मसले को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? थैंक यू सर। जी सर, एक अहम मुद्दा है, लेकिन जैसे कहते हैं हम हमेशा कैश वर्क करते हैं, लिपअप होती वो तो हो ही रहा है, जैसे मान लीजिए पार्किंग स्पेस अलॉट कर दिए, टेंडर हो गया, पार्किंग का सिलसिला शुरू हो गया ऑन पेमेंट बेसिस, लेकिन जो रूट कॉज है जो आप कह रहे थे कि गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो वो एक सरगर्दी बन गई है, क्योंकि सरगर्दी का एक अहम एक वजह वही है हमारे लिए अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन लैंडस्केप पे हमें कुछ अलग से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल के लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ना करके टाउन का अभी जो है 13 वार्ड पे मुश्तमिल फिलहाल का पता है, तो एरिया तो आप सबको पता है कितना कम है, कितना कंजेशन है,
उससे में ही सारा बॉर्डर आता जा रहा है, जैसे रूरल अर्बन माइग्रेशन है और रूरल एरिया से ज़्यादा से लोग टाउन में रह रहे हैं। टाउन में हम वोटर्स को नहीं जनरल फिलहाल 2011 के सेंसस के मुताबिक कोई 16,000 के करीब लोगों का है रिकॉर्ड 2011 के बाद, तो कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए, सेंसस होगा तो पता चलेगा। लेकिन आर्मी का प्रेजेंस भी है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है, टूरिस्ट का रहता है और मुलाजिम दूसरे जगहों से आके काम कर रहे हैं, लेबर है, जैसे पॉइंट में ही देख लीजिए कि पॉइंट का एक वार्ड, एक ही वार्ड है, एक ही वार्ड मेंबर होता है, लेकिन उस वार्ड में सबसे ज़्यादा बर्डन है। दरिया के किनारे का ही जो मोहल्ला देखें उसी में से आपको सुबह पता नहीं हज़ारों लोग निकलते हुए देखेंगे। उन सब का बोझ बर्डन अर्बन डेवलपमेंट पर पड़ता है। म्यूनसिपल कमेटी ऑफ कारगिल अपना जोर तो डाल रही है लेकिन फिर भी एक चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है, मशीनरी प्रॉब्लम और ऊपर से रिसोर्सेज। और हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को या ज़मीन को, ज़मीन के अंदर जो वेस्ट जाता है और दरिया में भी जाता है, उसको कैसे एड्रेस करें, कैसे अरेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं लेकिन अर्बन मोबिलिटी का तो आपने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे एक बिहेवियर चीज़ चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ई बसेस चल रहे हैं, कुछ सर्किट्स बना के रख रहे हैं लेकिन बसों की तादाद शायद बढ़ानी पड़े, शायद और बसेस आ रहे हैं ताकि लोगों में भी एक एक शोर सा आ जाए कि अर्बन की आपका कि आपने अपनी गाड़ी घर पे छोड़ के ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट ना करते हुए ई बस में ही चलना है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना है ताकि कंजेशन ना हो और थोड़ा पोल्यूशन, जो पोल्यूशन को अरेस्ट करने का एक सिलसिला है, एक मुहिम है, उसमें भी आपका योगदान रहे। अब हर कोई आदमी कारपूल भी तो करने में मजबूर रहता है, नहीं करने के ज़्यादा बहाने, करने के बहाने कम हैं। तो एक आदमी ऑफिस या काम पे एक ही गाड़ी में जाता है, पोल्यूशन तो होता ही है और ट्रैफिक कंजेशन में भी कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन अभी हम शुरुआत इन ई बसेस से कर चुके हैं लेकिन आगे रिन्यूएबल एनर्जी वाले जितने भी और मीडियम आने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उसको ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। डीजल देखिए, पहली बात तो आज इस सिलसिले में मैं आया हूँ तो थोड़ा ये मैं गमगीन हूँ क्योंकि जब हमको इत्तला मिली तो मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं थे कि मैं क्या कहूँ। मैंने सिर्फ यही कहा कि उनको तुरंत जाओ इवैक्यूएट करो। तो ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि जो भी आदमी गाड़ी चलाता है जब वो गाड़ी में गेट खोल के बैठता है उसके पहले सोच के चले कि भाई हम एक्सीडेंट नहीं होने। जो मैं यहाँ पर हूँ अभी हमको करीब 19 महीने हो गए, कुछ हादसे हुए, तकलीफ हुई। जब मैंने उसको रियलाइज़ किया हर हादसे के पीछे, आप यकीन करो हर हादसे के पीछे वर्ष तेज चाल। तो आप लोग कैसे इसको आगे ले जाएंगे, कैसे हर ड्राइवर तक पहुंचाएंगे? अभी ड्राइवर कौन है? हर घर में हर लोग, आपका बच्चा भी है, आपकी बीवी भी है, आप भी हैं। तो एक तो इसका करना। दूसरा, अभी मैं ये जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये देखा कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारा प्रोग्रेस है, काफ़ी हद तक टूरिज्म पर है, टूरिज्म पर है। तो मैंने देखा कि हमारे कारगिल में उतना टूरिज्म नहीं है व्यवस्था जितना कि लेह में है। मैंने कहा कि क्या करें, तो हमारे पास प्रपोजल आया आज के तकरीबन 9 महीने पहले। अब प्रपोजल में क्या आया कि एक पुराना किला है उसमें 3 करोड़ लगा के उसको ठीक कर दो। मैंने कहा भाई यहाँ पर कोई पुराने किले पर नहीं जाएगा, आपका फिश फार्म है वहां जाएगा, आपका कोई सीनिक ब्यूटी स्पॉट है वहां जाएगा, आपका कोई मॉन्यूमेंट है वहां जाएगा। तो अभी ये जो बढ़ावा का सिलसिला है इसमें मैंने 4 प्रोजेक्ट अभी साइन कर दिए और मैंने ये कहा है कि जैसे कोई भी जगह है जहां लोग जाते हैं उसमें आप ऐसी व्यवस्था करो कि आदमी जाए। तो उस व्यवस्था में मैंने कहा सबसे पहले वहां पर बढ़िया टॉयलेट बना दो,
बढ़िया टॉयलेट बना दो, ये खवातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। उसके बाद तीन चार रूम बना दो, रुकना चाहे तो रुके। फिर कल मैं गया था एक पुल बना है, पुल का गांव है वहां मैं गया तो देखा कि ये तो बड़ी कमाल की बात है। अब जब पुल बन गया, बढ़िया पुल बना, हमारे ईसी साहब लेके गए थे सीसी साहब, तो मैंने उनसे ये कहा कि यहाँ पर आप एक ऐसा, वहां पर एक फॉल भी है, रिवर है, फॉल है, तो मैंने कहा यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट मैंने भूटान में देखा था आज के तकरीबन 30 साल पहले, वहां पर आप हाई एंड अकोमोडेशन करो और ज्यादा से ज्यादा 10 और कम से कम 10, जिससे कि हम मैनेज कर सकें, वहां पर खाने पीने सबकी व्यवस्था करो, उसको ऐसा हाई एंड करो कि वहां पर ये जो हमारे फिल्म में नजम लिखते हैं ना, फिल्म की जो कहानियां लिखते हैं ना, वो लोग आए 10 दिन रहे तो नजम लिख के जाएगा, कहानी लिख के जाएगा, तो उसको 2 करोड़ मिलेगा ना, 3 करोड़। तो हमारा जो वहां देखभाल करने वाला है उसको भी 1 लाख दे देगा। तो हाई एंड बनाए और बाकी के लिए लोगों के लिए भी वहां पर मैंने कहा बगल में आप ऐसी व्यवस्था करो जहां पर टॉयलेट भी हो, बैठने की जगह भी हो, वो अपना चाय लेके आता है पिए, वो भी उसी तरीके से रहे जैसे कि वो रहे, दोनों में आप 100 गज का फासला कर दो। तो ये जो एक दिमाग की जरूरत है, हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम फायदा उठाएं, मैं उस पर काम कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था हमारी चिंता क्या है, मेरी चिंता 19 महीने से कि अरे भाई हम इतना बोरवेल डाल रहे हैं, अब ये हमारा एक होम स्टे बना तो 2 बोरवेल, हम कहां जाएंगे? तो 30 साल माने एक जो पीढ़ी होती है ना, जनरेशन 30 साल की होती है, तो मेरा बच्चा वो 30 साल बाद वो पानी पी मिलेगा कि नहीं, मैं उस पर काम कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें 20 एजेंसी हैं, हम कहीं पर कुछ बनाने के लिए तैयार हैं तो भूकंप वाला आएगा जो जलजला वाला है कि भाई आप ये कैसे कर रहे हो, कोई और आएगा, ये बड़ा पेचीदा सवाल है मेरे सामने। इंशाल्लाह अगर हिम्मत मर्दा मंदे खुदा। आजकल जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक्चुअली हमारे कैंपेन चला है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल एलजी लद्दाख, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि, और हमारे एडीजी साहब हैं एसडीसी जमवाल साहब, उन दोनों के इंस्ट्रक्शंस पे हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है आई ड्राइव सेफ, यानी मैं गाड़ी अच्छे से चलाता हूँ, सेफली चलाता हूँ, संयम से चलाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आई का इसलिए रखा है क्योंकि आई मतलब मैं है और मैं मतलब आप मतलब हम सब, मतलब इसमें ये नहीं किसी ट्रैफिक पुलिस और दूसरे स्टेक होल्डर्स इस कैंपेन का हिस्सेदार है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस कैंपेन का हिस्सेदार है, इसका हिस्सेदार हर कोई आदमी, हर वो शख्स है जो गाड़ी चलाता है। तो इसीलिए हमने इसको आई ड्राइव सेफ का नाम दिया है विद द टैग लाइन ऑफ मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं या जो भी रोड में जो भी चीजें होती हैं, इश्यूज होती हैं, वो हमारी अपनी गलतियों से होती है, या तो हम गाड़ियों को अपने फिटनेस ठीक नहीं करते, या तो हम नेग्लिजेंस में चलाते हैं, या तो हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, या तो हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, और इस हिसाब से बहुत सारी चीजें, गलत चीजें सड़क पे हो जाती है। हाँ, इसमें जो रोड इंजीनियरिंग का हो या कुछ टेक्निकल चीजों का भी काफी इसमें हिस्सेदार रहता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो एक्सीडेंट्स होते हैं या दुर्घटनाएं होती हैं उसमें हमारी अपनी गलतियां होती हैं। तो इसमें जो आज के पहले दिन में हम अवेयरनेस का हमने कैंपेन यहाँ शुरू किया है, जिसमें आज अभी तक हमने सारे यूनियंस के, कारगिल में जितने भी यूनियंस हैं, चाहे टैक्सी यूनियन हो, ट्रक यूनियन हो, चाहे सोसाइटी यूनियन हो, जितने भी यूनियंस, ओमनी यूनियन हो, सबको बुला के सबके ड्राइवर्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और स्पेशली आज हमने ये रखा है कि जब कोई बोलता है तो ज़रा मोनोटोनस हो जाता है, तो हम वीडियोज़ के थ्रू, जो एनिमेशन हैं या डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके थ्रू हम उनको समझा रहे हैं कि ट्रैफिक सेफ्टी को कैसे आपने उस पर चलना है। और साथ ही साथ अभी इसमें हमने एक पैनल डिस्कशन भी हुआ था जिसमें सारे मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद थे, इसमें हमारे पैनलिस्ट मॉडरेटर ने भी सारे इससे जो पैनलिस्ट उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे, और इसे पार्टिसिपेंट्स ने भी उनसे सवाल पूछे हैं।
तो इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के हम इन्फोर्समेंट पे आएंगे, हम चलानिंग पे आएंगे और इसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारा आज आई ड्राइव सेफ का जो स्टिकर है वो भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसके तहत हम हर गाड़ी पे स्टिकर आपको चिपकाएंगे। अभी स्टिकर हमारे एलजी साहब लॉन्च करेंगे और ये स्टिकर मतलब पूरे लद्दाख में हम कोशिश करेंगे हर हिस्से में जाए, हर बंदा अपने गाड़ी पे लगाए, ताकि हर कोई इस रोड सेफ्टी के कैंपेन को अपना एक कैंपेन समझ के चलाए।